हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षा। सो फ्रेंड्स, एमसीक्यूज ऑन इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड 4 लेक्चर्स ऑलरेडी वी हैव कवर्ड। ओके, दिस विल बी द लेक्चर 5th। ओके, बेसिक से चल रहे हैं, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस अभी तक किए हैं, आज भी लेक्चर में बेसिक क्वेश्चंस ही रहेंगे। बेसिक क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट इसीलिए रहते हैं क्योंकि यूपीएससी के इकोनॉमी के अगर आप क्वेश्चंस देखोगे, बेसिक कंसेप्ट में से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। ओके, तो उनको समझना बहुत ज़रूरी होता है, और एक बार आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो गए तो उससे आप कि जो करंट अफेयर्स है उसकी ज़्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, जो कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स हैं उनको भी आप ज़्यादा अच्छे से इकोनॉमी के समझ पाते हो। ऑलराइट, सो ये जो क्वेश्चंस रहेंगे, 5 क्वेश्चंस रहेंगे वंस अगेन आपके यूपीएससी सिविल सर्विसेज के एग्जाम के लिए, यूपीएससी, ईपीएफओ, सीडीएस, एनडीए, सीएपीएफ, स्टेट सर्विसेज, हिमाचल, हरियाणा, सब एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। ओके, चलिए एमसीक्यू कोर्सेज के बारे में आप जानती हैं, ईपीएफओ एमसीक्यू कोर्सेज के बारे में, तो वेबसाइट के ऊपर जाकर के आप इनको एक्सप्लोर कर सकते हैं। लिंक इनका डिस्क्रिप्शन में जो है आपके पास अवेलेबल है, और पीडीएफ फाइल भी लिंक आपके पास डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप इनमें से कोई भी कोर्स परचेज कर रहे हैं तो आपको पीडीएफ फाइल्स के लिए अलग से पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। इन कोर्सेज के साथ आपको इन सारे लेक्चर्स की पीडीएफ जो है वो भी प्रोवाइड की जाती है। ओके, सपोर्ट के लिए कमेंट सेक्शन में जो है आप लिख सकते हो जो भी आपका डाउट है, या व्हाट्सएप कर सकते हो 9041244689 पर, या फिर मेल कर सकते हो sikshit@gmail.com पर। चलिए तो पहला क्वेश्चन देखेंगे। द बेसिस ऑफ डिटरमाइनिंग डियरनेस अलाउंस टू गवर्नमेंट एम्प्लॉयज इन इंडिया इज, डियरनेस अलाउंस जो है सरकारी एम्प्लॉयज को जो दिया जाता है वो किस बेस के ऊपर उसको डिटरमाइन किया जाता है? नेशनल इनकम के ऊपर, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के ऊपर, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के ऊपर, या पर कैपिटा इनकम के ऊपर? देखो, ये जितने भी ऑप्शंस गिवन हैं ये सारे के सारे जो कंसेप्ट्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो अगर आप इकोनॉमी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो इन सारे कंसेप्ट्स के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अब डियरनेस अलाउंस क्या होता है, अगर आपको उस चीज़ का आइडिया है थोड़ा सा भी कि डीए क्या होता है, तो ईजीली आप आंसर कर सकते हो। लेकिन अगर अपने को डीए ही नहीं पता कि क्या होता है, ये पता है कि सैलरी में पैसे मिलते हैं, ठीक है, ये हर किसी को पता होगा कि सैलरी में पैसे जुड़ के मिलते हैं, पर डीए का पर्पज़ क्या होता है, डीए क्यों दिया जाता है, अगर वो आपको पता है तो ईजीली आप इसका आंसर कर दोगे। तो आंसर इस केस में क्या होगा, सबसे पहले तो आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। आंसर क्या होगा, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो सबसे पहले समझना ज़रूरी है कि डियरनेस अलाउंस क्या होता है। तो डियरनेस अलाउंस, जैसे कि हमने क्वेश्चन में देखा कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए कैसे डिटरमाइन किया जाता है, सीपीआई के ऊपर, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के ऊपर। अब डीए होता क्या है, ये एक ऐसा अलाउंस होता है जो एम्प्लॉयज़ को दिया जाता है टू कंपनसेट देम फॉर इरोजन ऑफ रियल इनकम और वेज ड्यू टू इन्फ्लेशन। अब हमने बार बार देखा है कि रियल इनकम और नॉमिनल इनकम में फ़र्क होता है, ठीक है, रियल इनकम और नॉमिनल इनकम में जो है वो फ़र्क होता है। क्या फ़र्क होता है, देखो नॉमिनल इनकम तो जो आपको पैसा मिल रहा है आपकी कंपनी से, फॉर एग्जांपल आपको 50,000 रुपये सैलरी मिल रही है, ठीक है, तो ये आपकी नॉमिनल इनकम हो गई। अब आपको आज से एक साल पहले भी 50,000 रुपये मिल रही थी और आज भी आपको 50,000 रुपये मिल रही है, लेकिन क्या आपकी रियल इनकम 50,000 है? नहीं, आपकी रियल इनकम 50,000 नहीं है। रियल इनकम क्या हो गई, जो डिस्पोजेबल इनकम होती है, जो आपके पास बचती है। अब आपने टैक्स भी पे करना है, ठीक है, आपने टैक्स भी पे करना है, तो नॉमिनल इनकम में से वो टैक्स जो आप फॉर एग्जांपल 5,000 आपने टैक्स पे कर दिया, तो आपके पास तो 45,000 रुपये ही बचा ना, ठीक है जी। उसके बाद इन्फ्लेशन का इफेक्ट भी आ गया। अब मैंने आपको कहा कि एक साल पहले आपकी 50,000 जो थी नॉमिनल इनकम थी, उस टाइम पे आटा जो था या चावल जो था वो था 300 रुपये किलो। मैं एक सिर्फ एग्जाम्पल ले रहा हूँ, 300 रुपये किलो था। अब आटा ऐसी चीज़ है कि जो आपकी बेसिक नेसेसिटी है आपको चाहिए ही चाहिए। अब वही आटा आज बढ़ करके 400 रुपये किलो हो गया, ठीक है, आप एक दिन में, एक महीने में 10 किलो आटा इस्तेमाल करते हो, तो पहले आपका एक दिन में 3,000 रुपये का आटा इस्तेमाल हो रहा था, अब 4,000 रुपये का आटा इस्तेमाल हो रहा है। तो अल्टीमेटली इन्फ्लेशन का इफेक्ट भी आपकी इनकम के ऊपर आया है। इनकम आपकी वहीं की वहीं है लेकिन इन्फ्लेशन बढ़ गया, जिसकी वजह से जो चीज़ें हैं वो महंगी हो गई, ठीक है, लेकिन सैलरी वहीं की वहीं है। तो डियरनेस अलाउंस जो है इस चीज़ में हेल्प करती है कि इन्फ्लेशन को कैसे टैकल किया जाए। जो इन्फ्लेशन बढ़ रही है, सैलरी वही है लेकिन इन्फ्लेशन बढ़ गया, ओके, सो द इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ लिविंग, कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ गई ना आपकी, जो अनाज आपको पहले 3,000 रुपये खर्चा हो रहा था महीने में, अब 4,000 रुपया खर्चा हो रहा है, तो आपका कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ गया, और इसकी वजह से हम क्या कहते हैं कि आपकी इनकम में इरोजन हो गया। इनकम अभी भी 50,000 रुपये ही है, पहले आटा खरीदने के बाद आपके पास 47,000 बच रहे थे अगर, तो अब सिर्फ 46,000 बच रहे हैं,
ऑलराइट, और इन्फ्लेशन निकालने का इंडिया में मेथड क्या है? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है, जो इन्फ्लेशन का डिटर्मिनेशन करता है, जो इन्फ्लेशन का ग्राउंड है, उसके ऊपर ही जो है आपका डीएबी फिक्स किया जाता है, सो दैट जो इम्प्लॉयज हैं उनकी जो रियल इनकम है दैट कैन बी एडजस्टेड विद इन्फ्लेशन। नहीं तो उनकी तो रियल इनकम रिड्यूस होती जाएगी विद टाइम, क्योंकि इन्फ्लेशन चीजें, अगर महंगाई बढ़ रही है एक ग्रोइंग इकोनॉमी में, तो उनकी कंटिन्यूअसली जो है इनकम डिक्लाइन होती जाएगी, जो रियल इनकम है वो डिक्लाइन होती जाएगी। ओके, तो ये समझना बहुत जरूरी है। रियल इनकम की भी अगर आप डेफिनेशन देखो, अब यहाँ पर मैंने आपको दी है, तो रियल इनकम इज ऑल्सो नोन एज रियल वेज, इज हाउ मच मनी एन इंडिविजुअल और एंटिटी मेक्स आफ्टर एडजस्टिंग फॉर इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन की एडजस्टमेंट आपने यहाँ पर कर दी है। रियल इनकम डिफर्स फ्रॉम नॉमिनल इनकम, वी हैज नो सच एडजस्टमेंट। नॉमिनल इनकम तो जो आपकी सैलरी, आपको कंपनी कह रही है कि हम 50,000 रुपये आपको देंगे, ये आपकी नॉमिनल इनकम है, लेकिन इसमें से बड़ी सारी चीज़ें कटनी है, टैक्स भी कटना है आपका, इन्फ्लेशन का भी जो है वो आपने देखना है, ठीक है ना। इंडिविजुअल्स ऑफन क्लोजली ट्रैक देयर नॉमिनल इनकम वर्सेज रियल इनकम टू हैव द बेस्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ देयर परचेजिंग पावर। परचेजिंग पावर तो आपकी जो है वो रियल इनकम से ही पता चलेगी। अगर मैं टैक्सेशन का भी लूँ, फॉर एग्जाम्पल किसी की 50,000 रुपीज़ सैलरी है वंस अगेन, और अभी उसको जो टैक्स पे करना पड़ रहा है वो 10% पे करना पड़ रहा है, ठीक है जी। तो उसके पास बाकी चीज़ें मैं रखता हूँ कि आर नॉट चेंजिंग, इन्फ्लेशन नहीं है, प्राइस नहीं चेंज हो रहा, मैं भी ये लेकर के चलता हूँ सब कुछ स्टेबल है, ठीक है। आटा साल पहले भी 3 साल का था, 300 रुपये का था, अभी भी 300 रुपये का, ठीक है, वो चीज़ स्टेबल रख रहे हैं। अब 50,000 रुपये पे 10% यानी कि 5,000 रुपये गया, इसके पास 45,000 रुपीज़ बचा, यानी कि इसकी परचेजिंग पावर जो है वो 45,000 रुपीज़ की है, महीने में 45,000 का खर्चा कर सकता है, ठीक है। अब इसमें ये मत कहना कि सर क्रेडिट कार्ड भी यूज़ कर लेगा तो ज़्यादा, वो सब फालतू बातें मत करना, ठीक है ना। तो 45,000 रुपीज़ का इसके पास डिस्पोजेबल इनकम है, इसका रियल इनकम है। अब फॉर एग्जाम्पल अगले साल सरकार जो है टैक्स बढ़ा देती है, सरकार कहती है कि अब जो मैं टैक्स लूँगी वो कितना लूँगी, 11% लूँगे, ठीक है, हम 11% टैक्स लेंगे। तो 11% टैक्स के हिसाब से जो अब इसको टैक्स पे करना पड़ेगा 5,500, यानी कि जो इसके पास डिस्पोजेबल इनकम बचा वो कितना बचा, 44,500। तो डिस्पोजेबल इनकम यानी कि रियल इनकम कम हो गया इस केस में भी। तो इंडिविजुअल जो है उसको पता चलता रहता है कि यार, सिमिलरली इज विद यू नो द एग्जाम्पल ऑफ अनाज, आटा एंड राइस दैट आई वॉज टेकिंग, ठीक है। उसके इसमें भी अब इंडिविजुअल को पता है कि यार पिछले साल 3,000 रुपये का आटा था, उसके बाद मेरी बाकी नीड्स के लिए 47,000 रुपीज़ मेरे पास बचते थे, कीपिंग एवरीथिंग एवरी अदर थिंग एल्स एज स्टेशनरी, ओके। तो 3,000 रुपये का आटा आता था, 47 बचते थे, अब 4,000 का आता तो 46 बचते हैं। तो परचेजिंग पावर उसकी चेंज हो रही है, तो इंडिविजुअल को आइडिया लगता रहता है नॉमिनल और रियल इनकम को कंपेयर करते हुए। मोस्ट रियल इनकम कैलकुलेशंस आर बेस्ड ऑन द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ओके, इंडिया में भी यही चीज़ होती है। थियोरेटिकली व्हेन इन्फ्लेशन इज राइजिंग, रियल इनकम एंड परचेजिंग पावर फॉल। रियल इनकम गिरेगी आपकी, ठीक है, हमने देखा, अगर इन्फ्लेशन राइज कर रही है, बढ़ रही है, तो रियल इनकम आपकी क्या करेगी, गिरेगी, और साथ ही आपकी परचेजिंग पावर भी गिरेगी। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया पहले, अगर आपके पास जो आपकी बेसिक ईटिंग रिक्वायरमेंट है, जिसके लिए आपको आटा लेना पड़ रहा है, उसके लिए 47,000 बच रहे थे, तो आप 46,000 ही बच रहे हैं, तो आपकी परचेजिंग पावर भी तो कम हो गई ना। ऑलराइट, चलिए, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रिगार्ड टू मनी मार्केट इन इंडिया। मनी मार्केट से रिलेटेड आपको स्टेटमेंट्स कंसीडर करनी है। पहला स्टेटमेंट कहता है कि इट इज अ मार्केट फॉर शॉर्ट टर्म फंड्स, ओके, शॉर्ट टर्म फंड्स के लिए मार्केट है, विद मैच्योरिटी रेंजिंग फ्रॉम ओवरनाइट टू 1 ईयर। तो आपको पीरियड भी यहाँ पर दे दिया कि ओवरनाइट टू 1 पीरियड का जो है समय होता है, यानी कि मनी मार्केट जो है 1 साल तक का पीरियड होता है। इट एक्ट्स एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फॉर सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के लिए लिक्विडिटी एडजस्टमेंट के इंस्ट्रूमेंट्स में भी ये आते हैं, ओके। लिक्विडिटी एडजस्टमेंट आपको पता होना चाहिए क्या होता है। अगर आरबीआई मार्केट में और ज़्यादा पैसा डालना चाहती है, बाजार में और ज़्यादा पैसा डालना चाहती है, या बाजार से पैसा, जो सरप्लस पैसा है उसको निकालना चाहती है, तो उसको लिक्विडिटी एडजस्टमेंट कहते हैं। एंड दिस इज ऑल्सो डन टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, ओके। कभी अगर कंट्री में ग्रोथ को प्रमोट करना है तो आरबीआई पैसा डालेगी मार्केट में, और अगर कभी इन्फ्लेशन जो एकदम से राइजिंग इन्फ्लेशन है उसको कंट्रोल करना है तो आरबीआई पैसा जो है वो सक कर लेगी, ओके। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। करेक्ट इनकरेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में, ध्यान में रखना। इसके वजह से बहुत सारे जो
पढ़ने वाले बच्चे होते हैं वो बहुत सारे बच्चे जो है वो पीछे रह जाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दिस माइनर एरर। ऑल राइट, तो ऑप्शंस हैं ए वन ओनली, बी इज टू ओनली, सी इज बोथ ऑफ द अबव एंड डी इज नन ऑफ द अबव। बताइए, मनी मार्केट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रिगार्ड टू मनी मार्केट इन इंडिया, मनी मार्केट से रिलेटेड। तो देखो, पहला जो स्टेटमेंट है, शॉर्ट टर्म फंड्स होते हैं। शॉर्ट टर्म फंड्स, अगर आपको शॉर्ट टर्म फंड की रिक्वायरमेंट है, किसी कंपनी को या सरकार को शॉर्ट टर्म के लिए पैसे की रिक्वायरमेंट है, तो वो शॉर्ट टर्म हम कितना देखते हैं, ओवरनाइट टू वन ईयर। तो पहला स्टेटमेंट तो भैया बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट देखो, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट के लिए भी पैसा, अगर जो सेंट्रल बैंक है वो अगर पैसा निकालना चाहता है मार्केट से, तो वो क्या करेगा, बॉन्ड इशू कर देगा, ट्रेजरी नोट्स इशू कर देगा, ठीक है, जो शॉर्ट टर्म में इंस्ट्रूमेंट्स में आते हैं, जस्ट टू सक द मनी आउट ऑफ द मार्केट, या फिर गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट्स जो है, सरकार को किसी काम के लिए पैसा चाहिए तो उन सब चीज़ों के लिए। तो लिक्विडिटी एडजस्टमेंट के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। सो आंसर हियर विल बी ऑप्शन सी, बोथ ऑफ द अबव। ऑल राइट, नाउ व्हाट वी नीड टू लर्न इज व्हाट इज मनी मार्केट, एंड देन वील ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज कैपिटल मार्केट एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू। ओके, सो द मनी मार्केट इन्वॉल्व द परचेज एंड सेल ऑफ लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ वेरी शॉर्ट टर्म डेट प्रोडक्ट। शॉर्ट टर्म डेट प्रोडक्ट हम इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये मैक्सिमम अप टू एक साल है। अगर एक साल से ऊपर कोई सिक्योरिटी है, या एक साल से ऊपर अगर आप कोई सिक्योरिटी, जैसे जो इक्विटी होती है या बॉन्ड होते हैं, अगर आप वो एक साल से ज़्यादा समय के पीरियड के लिए इशू कर रहे हो, तो उसको हम कैपिटल मार्केट में लेकर के जाते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, दैट यू आर पुटिंग योर मनी और यू आर बोरोइंग द मनी फ्रॉम द कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट हम सिर्फ अगर आप एक साल तक के लिए जो है पैसा ले रहे हो मार्केट से, या एक साल तक के लिए पैसा डाल रहे हो मार्केट में। ओके, मनी मार्केट में एक इंडिविजुअल इन्वेस्ट भी कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर RBI जो है वो ट्रेजरी बिल इशू कर रही है सरकार का, तो एज अ इन्वेस्टर मैं पैसा इन्वेस्ट करूंगा, और एज अ बोरोअर RBI जो है वो पैसा ले रहा है सरकार के बिहाफ पे। ओके, सो इंडिविजुअल इन्वेस्ट भी कर सकता है मनी मार्केट में, जैसे ट्रेजरी बिल हो गया या ओपन मनी मार्केट अकाउंट एट अ बैंक, ये सब चीजें जो है वो की जा सकती हैं। उसके बाद कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट में डिफरेंस क्या होता है। देखो, पहला डिफरेंस तो मैंने आपको बता दिया, कैपिटल मार्केट इज वेन द मनी इज बींग बोरोड और द मनी इज बींग लेंड फॉर मोर देन वन ईयर। ओके, सो मनी मार्केट इज अ शॉर्ट टर्म लेंडिंग सिस्टम, जिसमें बोरोअर्स डे टू डे एक्टिविटीज के लिए या अपनी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए पैसा लेते हैं। कैपिटल मार्केट को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कहते हैं। जैसे अब कंपनीज हैं, कंपनीज अपने स्टॉक इशू करती हैं, बॉन्ड इशू करती हैं, ओके, बिजनेस की लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए। ऑल राइट, नाउ द मनी मार्केट इज लेस रिस्की, क्योंकि एक साल का समय है। कैपिटल मार्केट, अब फॉर एग्जाम्पल आपने बॉन्ड खरीद लिया किसी कंपनी के 10 साल तक के, तो उसमें जो रिस्क है वो बढ़ जाता है ना। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो, यू नेवर नो इफ द कंपनी इज गोइंग टू सर्वाइव दोज 10 ईयर्स और नॉट। ऑलराइट, सो मनी मार्केट जो है वो लेस रिस्की होती है, कैपिटल मार्केट ज्यादा रिस्की होती है, इसीलिए ज्यादा रिवॉर्डिंग भी होती है। देखो, बिजनेस में एक चीज हमेशा ध्यान में रखनी है, मोर रिस्क इज इक्वल टू मोर प्रॉफिट, और वी कैन से द ग्रेटर द रिस्क इज ग्रेटर द प्रॉफिट। जितना ज्यादा आप रिस्क लोगे धंधे में, उतना ज्यादा आपको मुनाफा होगा, समझ रहे हो? तो ये चीज ध्यान में आपने रखनी है। चलिए, थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये देखो, इस तरह के क्वेश्चन अब CDS में पूछा गया था, UPSC, वैसे काफ़ी पुराना क्वेश्चन है, 2008 का क्वेश्चन है, फिर भी इस तरह के क्वेश्चंस के लिए कई बार थोड़ा सा प्रिपेयर हो जाना चाहिए, ठीक है। किताबों में नहीं मिलते हैं इतना इजीली। द एक्रोनिम SRO बींग यूज इन कैपिटल मार्केट फॉर वेरियस मार्केट पार्टिसिपेंट्स स्टैंड फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो एक्रोनिम पूछ लिया आपसे, मैंने पहले भी आपको बताया, एक्रोनिम जो है वो पूछ लेते हैं पेपर में कई बार, पता होना चाहिए एक्रोनिम के बारे में भी। ऑप्शन ए सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशंस, ऑप्शन बी स्मॉल रेवेन्यू ऑपरेटर्स, ऑप्शन सी सिक्योरिटीज रोल बैक ऑपरेटर्स, एंड ऑप्शन डी सिक्योरिटीज रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशंस। SRO स्टैंड्स फॉर व्हाट? देखो, UPSC का जो भी एग्जाम होता है ना, उसमें कुछ क्वेश्चंस आप इस तरह के एक्सपेक्ट कर सकते हो जो आपको देख के लगेगा कि यार ये कहाँ से आ गया, ठीक है। तो उस क्वेश्चन को देख करके कभी भी आपने अपनी अंदर सेल्फ डाउट नहीं लेके आना, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल, किसी ने अच्छे से इकोनॉमी प्रिपेयर कर ली और उसको ये क्वेश्चन नहीं आ रहा, जब वो प्रैक्टिस कर रहा है बिफोर गोइंग टू द एग्जाम, या एग्जाम में जाकर भी उसने ये क्वेश्चन देखा और वो सेल्फ डाउट क्रिएट करना शुरू कर दिया, यार मेरी तो इकोनॉमी की तैयारी नहीं हुई, ठीक है। फिर वो कोई और किताब ढूंढेगा कि यार मैं ये वाली किताब ढूंढ लेता हूँ, इससे मेरी इकोनॉमी की तैयारी हो जाएगी, या मैं इस वाले नए टीचर से पढ़ लेता हूँ, या इस वाले नए कोचिंग इंस्टीट्यूट में जो है दोबारा से एडमिशन ले लेता हूँ, तो क्या पता मेरी इकोनॉमी की तैयारी हो जाए, मेरी अभी तक इकोनॉमी की तैयारी नहीं हुई है। तो ऐसा आपने नहीं करना है। आपने अगर तैयारी कर ली है तो उस पर थोड़ा सा फेथ रखना भी सीखो, ठीक है। कंप्लीट प्रिपरेशन करने के बाद अगर किसी ने इकोनॉमी में PhD भी की हुई है, तब भी वो इकोनॉमी के सारे कंसेप्ट या सारी चीज़ों का आंसर नहीं कर सकता है,
ओके, यू आर अ ह्यूमन बीइंग, यू कैन नॉट नो एवरीथिंग, सो डू नॉट यू नो डिस्करेज योर सेल्फ. खुद को हम डिस्करेज करते हैं, किसी और के डिस्करेज होने से हम डिस्करेज नहीं होते. सबसे ज़्यादा डिस्करेज हम तब होते हैं जब हम खुद को डिस्करेज करते हैं. तो आंसर इस क्वेश्चन का क्या है? सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशंस. क्या आंसर होगा? सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशंस. तो सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है? बेसिकली ये नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं. अब इनके पास पावर होती है टू क्रिएट एंड एनफोर्स इंडस्ट्री रेगुलेशन. तो जो वेरियस रेगुलेशंस और स्टैंडर्ड्स जो हैं रेगुलेटरी बॉडीज ने, सरकार ने बनाए हुए होते हैं, ये कंपनीज को प्रमोट करती हैं, कंपनीज के पीछे पड़ जाती हैं कि आप इन रेगुलेशंस को इन्फोर्स कीजिए, स्टैंडर्ड्स को इन्फोर्स कीजिए, ताकि अल्टीमेटली जो इन्वेस्टर हैं कंपनी के अंदर उनका इंटरेस्ट प्रोटेक्ट किया जा सके कैपिटल मार्केट में. ठीक है, एथिक्स को प्रमोट करती है ये, बिजनेस एथिक्स को प्रमोट करती है ये कंपनी के अंदर. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन. इन अ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव इकोनॉमी प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन विल बोथ बी पैरेटो ऑप्टिमल इफ द इकोनॉमी ऑपरेट्स एट अ पॉइंट वेयर. CDS 2013 का सवाल है. अब देखो, पहले तो ये पता होना चाहिए कि ये परफेक्टली कॉम्पिटिटिव इकोनॉमी क्या होती है. ठीक है, उसके बाद ये कह रहा है कि प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन जो है वो परफेक्टली कॉम्पिटिटिव इकोनॉमी में पैरेटो ऑप्टिमल होंगे. अब ये पैरेटो ऑप्टिमल क्या होता है ये पता होना चाहिए अपने को क्या होता है. ठीक है, उसी के उसके बाद ही हम इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं, नहीं तो आंसर ही नहीं कर सकते. तो ऑप्शंस क्या हैं? देयर इज अ जनरल इक्विलिब्रियम, ऑप्टिमल लेवल्स आर बिलो इक्विलिब्रियम, सॉरी आउटपुट लेवल्स आर बिलो इक्विलिब्रियम, आउटपुट लेवल्स आर अबव इक्विलिब्रियम, कंजम्पशन इज लेस देन आउटपुट. तो कॉम्पिटिटिव इकोनॉमी में प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन को कहा जाएगा कि वो पैरेटो ऑप्टिमल पे हैं जब जो इकोनॉमी है इज ऑपरेटिंग एट अ पॉइंट वेयर. ऑप्शन ए बी सी डी. तुक्केबाजी इन क्वेश्चंस में बिल्कुल नहीं चलती है, कंसेप्ट समझे जाते हैं. देखो, हिस्ट्री और पॉलिटी में भी कई बार चीज़ें आपको रटी हुई होनी चाहिए, फैक्ट रटे हुए होने चाहिए. हिस्ट्री में स्पेशली, हिस्ट्री में सारी चीज़ों में हम कंसेप्ट में नहीं घुस सकते, मोर सो फॉर द MCQ पार्ट. ठीक है, फैक्ट्स तो याद होने ही चाहिए, समझ रहे हो. अगर अब UPSC ये पूछ लेता है कि तंजौर कोस्ट पे या चेन्नई कोस्ट पे सॉल्ट लॉ किसने ब्रेक किया, या महात्मा गांधी जी ने डांडी मार्च कब शुरू किया, तो ये सब चीज़ों में कंसेप्ट करके क्या करोगे जब तक याद नहीं होगा? तो याद तो अल्टीमेटली करना ही पड़ेगा, है ना. तो अल्टीमेटली इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? ऑप्शन ए. लेकिन अपन पहले समझते हैं कि परफेक्टली कॉम्पिटिटिव इकोनॉमी क्या होती है, परफेक्ट कॉम्पिटिशन क्या होता है. ठीक है, तो कुछ फीचर्स होते हैं, अगर वो मार्केट स्ट्रक्चर में है तो हम उसको कहेंगे कि इट इज़ अ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट. कैसे? सारी फर्म्स जो हैं वो आइडेंटिकल प्रोडक्ट जो हैं वो सेल कर रही हैं, होमोजीनियस प्रोडक्ट सेल किया जा रहा है. यानी कि एक मार्केट है, उस मार्केट में फॉर एग्जांपल सिर्फ ट्यूबलाइट सेल की जा रही है. ठीक है, ट्यूबलाइट सेल की जा रही है. अब ऐसी मार्केट में जहाँ सारे ट्यूबलाइट सेल कर रहे हैं, एक फर्म नहीं बहुत सारी फर्म्स हैं जो सिर्फ ट्यूबलाइट सेल कर रही हैं, अब वहाँ पर फर्म जो है वो प्राइस मेकर नहीं होती, वो प्राइस टेकर होती है. प्राइस मेकर कैसे होती है? फॉर एग्जांपल एक मार्केट है, एक शहर की एक बाजार है, उसमें सिर्फ एक ट्यूबलाइट बनाने वाली कंपनी है. ठीक है, अब ट्यूबलाइट सबको चाहिए, घर में रोशनी सबको चाहिए, तो उस केस में वो ट्यूबलाइट बनाने वाली कंपनी जो है वो प्राइस मेकर हो गई. क्यों? क्योंकि वो जिस दाम पे बेचना चाहेगी वो उस दाम पे बेचेगी. अब वैक्सीन का केस ले लो, कोविड चल रहा है, वैक्सीन का केस ले लो. अब फॉर एग्जाम्पल स्पुतनिक 5 ने कह दिया कि हम वैक्सीन 995 रुपये में बेचेंगे. ठीक है, क्योंकि वैक्सीन में अभी एक तरह से मोनोपली है. आप कहोगे कि सर नहीं, मोनोपली क्यों है, बहुत सारी कंपनियां बना रही हैं. फिर भी मोनोपली है क्योंकि 3-4 कंपनियों को अप्रूवल मिला है और पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है. ठीक है, पॉपुलेशन के हिसाब से कंपनीज बहुत कम है, प्रोडक्शन बहुत कम है. तो आप एक तरह से कह सकते हो कि इनके पास एक तरह की पावर आ गई कि ये फिक्स कर सकें, अनटिल एंड अनलेस सरकार इनको डंडा दिखा करके कह दे कि बेटे रेट कम कर ले. ठीक है, नहीं तो इनके पास पूरी पावर है और लोग खरीदेंगे, फिर भी खरीदेंगे क्योंकि जान बचानी है. सिमिलरली ट्यूबलाइट जलानी है, घर में रोशनी लेकर के आनी है, वो खरीदेंगे. तो लाइट वाला जो भी रेट दे देगा उनको, वो खरीदेंगे. लेकिन अगर बहुत सारी कंपनीज हैं ट्यूबलाइट बनाने वाली, तो उस केस में क्या होंगे, जो प्रोड्यूसर्स होंगे वो प्राइस टेकर होंगे. क्योंकि मार्केट प्राइस जो प्रोडक्ट का है वो मार्केट फोर्सेस डिसाइड करेंगी, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर नहीं डिसाइड करेगा. आर यू गेटिंग इट? और इस केस में मार्केट शेयर का भी कोई इन्फ्लुएंस नहीं होगा प्राइस के ऊपर. मार्केट शेयर का कैसे ये होता है इन्फ्लुएंस? जैसे फॉर एग्जांपल दो कंपनियां हैं सिर्फ बनाने वाली. ठीक है, दो कंपनियां हैं बनाने वाली. अब एक कंपनी ट्यूबलाइट बना रही है, ज़्यादातर 80% लोग उस कंपनी की लेते हैं और 20% लोग इस कंपनी की लेते हैं. ठीक है, तो इस केस में भी जो है मोनोपली इतनी आसानी से नहीं बन पाएगी.
क्योंकि अगर ये 80% वाला बहुत ज्यादा हाई प्राइस कर देगा कि सारे लोग मेरी ट्यूबलाइट लेते हैं तो मैं अपना प्राइस बहुत ज्यादा हाई कर देता हूं, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में ये चीज कम हो जाएगी, लोग 20% वाले के पास शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल होगा। अब फॉर एग्जाम्पल अगर कोविशील्ड पहले लोग कोवैक्सीन नहीं लगवा रहे थे, ठीक है, कि ये इंडिया में बनी है, बड़ा प्रॉब्लम है, ये सब है, अब लोग कोवैक्सीन भी लगवा रहे हैं। उसके पीछे कारण है, एक तो वो डरे हुए हैं, दूसरा कारण क्या है कि भाई कोविशील्ड का प्राइस ज़्यादा है अगर आप प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से लगवाते हो। ठीक है, कोविशील्ड का प्राइस ज़्यादा है, कोवैक्सीन का प्राइस कम है, तो वो कम प्राइस की तरफ चले जाएंगे कि यार ये भी वैक्सीन है और सरकार कह रही है ये भी फिट है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो इन्फ्लुएंस नहीं होता, अगर आपके पास मेजॉरिटी मार्केट शेयर है फिर भी आप इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते अगर आपके पास कॉम्पिटिटर्स हैं मार्केट में। ओके, बायर्स के पास इन्फॉर्मेशन होती है पूरी, कि पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर की पूरी इन्फॉर्मेशन होती है, जो भी प्रोडक्ट बेच रहा है उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन होता है। मोनोपोली में क्या होता है, आपके पास इन्फॉर्मेशन ना हो क्योंकि आप मजबूर हो, आपको यूज ही वो करना है। ठीक है, रिसोर्सेज फॉर सच अ लेबर आर परफेक्टली मोबाइल, ऑल राइट, फर्म कैन एंटर और एग्जिट द मार्केट विदाउट कॉस्ट, फर्म इजिली एंटर कर सकती है, इजिली एग्जिट कर सकती है, मोनोपोली के केस में इतना ईजी नहीं होता है, ऑल राइट। उसके बाद पेरेटो ऑप्टिमल क्या होता है, इसको भी समझने की जरूरत है। पेरेटो एफिशिएंसी या पेरेटो ऑप्टिमेलिटी इसको बोला जाता है। सो दिस इज बेसिकली एन इकोनॉमिक स्टेट वेयर रिसोर्सेज कैन नॉट बी री एलोकेटेड टू मेक वन इंडिविजुअल बेटर ऑफ विदाउट मेकिंग एटलीस्ट वन इंडिविजुअल वर्स ऑफ। तो इसको आइडियल सिचुएशन माना जाता है, तभी हम कह रहे हैं पेरेटो ऑप्टिमल। तो इकोनॉमिक स्टेट, एक इकोनॉमी में रिसोर्सेज परफेक्टली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। परफेक्टली डिस्ट्रीब्यूटेड का क्या मतलब होता है, फॉर एग्जाम्पल ये एक वेइंग मशीन है, इसके ये दो एंड्स हैं, तो ये भी कंप्लीटली स्टेबल है। अगर आपने किसी भी साइड वजन डाला, बढ़ाया, तो दूसरी साइड का वजन घट जाएगा, अपने आप स्टेबिलिटी डिस्टर्ब हो जाएगी। तो आप किसी भी एक इंडिविजुअल को अगर एक्स्ट्रा रिसोर्सेज दोगे पेरेटो ऑप्टिमलिटी के सिचुएशन में या पेरेटो एफिशिएंसी की सिचुएशन में, किसी भी इंडिविजुअल को एक्स्ट्रा रिसोर्सेज दोगे तो आप दूसरे इंडिविजुअल के रिसोर्सेज छीन के उसको वो एक्स्ट्रा रिसोर्सेज दोगे, क्योंकि इकोनॉमी ने परफेक्टली डिस्ट्रीब्यूट अपने रिसोर्सेज किए हुए हैं। देसी भाषा में ये बात है। तो अगर दो बच्चों के पास एक एक चॉकलेट है, अगर आप चाहते हो कि दूसरे बच्चे को आप दो चॉकलेट दो और आपके पास और कोई चॉकलेट नहीं है, तो आपको किसी एक बच्चे से चॉकलेट छीन करके दूसरे बच्चे को देनी पड़ेगी। तो एक के पास रिसोर्सेज बढ़ेंगे, दूसरे के पास रिसोर्सेज घट जाएंगे, ये याद रखना है। पेरेटो एफिशिएंसी इंप्लाइज दैट रिसोर्सेज आर एलोकेटेड इन द मोस्ट इकोनॉमिकली एफिशिएंट मैनर। मोस्ट इकोनॉमिकली एफिशिएंट मैनर में आपने डिस्ट्रीब्यूट किए हुए हैं, लेकिन इससे बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। एग्जामिनर अगर स्टेटमेंट में ये पूछ लेता है कि क्या पेरेटो एफिशिएंसी का मतलब ये है कि भैया रिसोर्सेज जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, फेयरनेस के साथ डिस्ट्रीब्यूटेड है, हम ये नहीं कह रहे कि फेयरनेस के साथ डिस्ट्रीब्यूटेड है या सबको इक्वल रिसोर्सेज मिले हुए हैं, हम ये कह रहे हैं कि ऑप्टिमली जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर आप अब इससे छेड़खानी करोगे तो और कोई एक्स्ट्रा रिसोर्सेज नहीं है मेरे पास। फॉर एग्जाम्पल चॉकलेट का केस मैं दोबारा लेता हूं, राम और श्याम का। राम के पास एक चॉकलेट है, क्या आप तो श्याम के पास आधी चॉकलेट हो, लेकिन अब अगर आप ये कहते हो कि राम को मुझे एक और चॉकलेट देनी है या राम को मुझे और चॉकलेट्स प्रोवाइड करनी है, लेकिन आपकी इकोनॉमी में और चॉकलेट है ही नहीं, आपकी जेब में और चॉकलेट है ही नहीं, तो आप क्या कहोगे कि मैं शाम की चॉकलेट लेके राम को दे देता हूं। तो इक्वालिटी तो पहले भी नहीं थी, लेकिन अब पेरेटो एफिशिएंसी भी नहीं रहेगी अगर आप शाम की आधी चॉकलेट भी राम को दे दोगे। ठीक है, आर यू गेटिंग इट? एन इकोनॉमी इज सेट टू बी इन अ पेरेटो ऑप्टिमम स्टेट व्हेन नो इकोनॉमिक चेंजेस कैन मेक वन इंडिविजुअल बेटर ऑफ। आप कोई भी अगर चेंज लेकर के आ रहे हो तो उससे इंडिविजुअल का कोई भला नहीं होने वाला, अंटिल एंड अनलेस आप दूसरे इंडिविजुअल का नुकसान कर रहे हो। द सेम केसेस विद राम एंड श्याम। तो आपके पास चॉकलेट है ही नहीं, बिल्कुल खत्म है कि आप राम को चॉकलेट दे ही नहीं सकते। आप राम को सिर्फ उसी केस में चॉकलेट दे सकते हो अगर आप शाम की चॉकलेट ले लेते हो। ठीक है, तो राम बेटर ऑफ हो गया, शाम जो है उसकी कंडीशन और ज्यादा डिटीरियोरेट हो गई। ऑलराइट, सो दिस इज पेरेटो ऑप्टिमल। तो परफेक्ट कॉम्पिटिशन हमने देख लिया, पेरेटो ऑप्टिमल हमने देख लिया। अब क्वेश्चन के ऊपर दोबारा चलते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा था कि परफेक्टली कॉम्पिटेटिव इकोनॉमी, जहां पर कॉम्पिटिशन है, प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन विल बोथ बी पेरेटो ऑप्टिमल। प्रोडक्शन भी और कंजम्पशन भी इक्विलिब्रियम पर है इफ द इकोनॉमी इज एट अ पॉइंट वेयर देयर इज जनरल इक्विलिब्रियम। जहां पर जनरल इक्विलिब्रियम है, जहां पर रिसोर्सेज जो है वो एलोकेटेड है प्रॉपर वे में, एंड देयर इज नो वे आउट कि आप उनमें कुछ भी चेंज लेकर के आ सको। आउटपुट लेवल जो है ना वो बिलो इक्विलिब्रियम है ना वो अबव इक्विलिब्रियम है, इट इज एट द जनरल लेवल, इट इज एट द ऑप्टिमल लेवल। ठीक है, बेस्ट लेवल के ऊपर है। कंजम्पशन जो है दैट इज ऑल्सो
एट द ऑप्टिमल लेवल, जो आपकी आउटपुट हो रही है उतनी ही आपकी कंजम्पशन हो रही है, ना ज्यादा है ना कम है. तो इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे कि देर इज अ जनरल इक्विलिब्रियम. ओके, सो परफेक्ट कॉम्पिटिशन का कंसेप्ट समझ में आ गया और पेरेटो ऑप्टिमल का कंसेप्ट समझ में आ गया. पेरेटो ऑप्टिमल पे और भी बार सीडीएस वगैरह में क्वेश्चन पूछे गए हैं. नाउ जनरल इक्विलिब्रियम इन्वॉल्विंग बोथ प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑल्सो इंश्योर्स द अचीवमेंट ऑफ पेरेटो एफिशियंसी. Pareto efficiency in this regard requires the marginal rate of transformation should be equal to the marginal rate of substitution of the individual. जिस रेट पे आप प्रोडक्शन कर रहे हैं उसी रेट पे कंजम्पशन भी हो रही है. ओके जी, चलिए. Now let us move to the next and the last question. Once again, CDS 2013 में पूछा गया है. The production function of a firm will change whenever. जो production function है किसी भी firm का change हो जाएगा जब input price changes होंगे, firm employee करेगी ज़्यादा इनपुट को, फर्म जो है लेवल ऑफ आउटपुट इंक्रीज कर देगी, या रेलिवेंट टेक्नोलॉजी में चेंज आ जाएंगे. इसके आंसर्स अगर गूगल करोगे अलग अलग मिलेंगे, लेकिन इसका जो मोस्ट सुटेबल आंसर है दैट विल बी ऑप्शन डी. तो प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है सबसे पहले वो समझ लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन के ऊपर दोबारा आऊँगा. तो प्रोडक्शन फंक्शन को इकोनॉमी में एक इक्वेशन के वे में डिफाइन किया जाता है जो बेसिकली एक्सप्रेस करता है अ रिलेशनशिप बिटवीन द क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्टिव फैक्टर्स जैसे लेबर और कैपिटल used and the amount of product obtained. तो जो आपके factors of production है, labor आ गया, capital आ गया, ठीक है, वो सारे कितना जो है quantity use कर रहे हो, factors of production use कर रहे हो, और उसके मुकाबले आपका output कितना है, आपका production कितना है, तो उसको production function कहा जाता है. Okay, so input, what input you are putting for getting the desired output. Okay, so basically it states that amount of product that can be obtained from every combination of factor, जो भी multiple combination of factors हैं उससे आप क्या output achieve कर सकते हो. Okay, and इसमें assume किया जाता है कि आप best possible methods of production इस्तेमाल कर रहे हो. Okay, तो ये production function है. अब question के ऊपर दोबारा चलो. अब production function कब change होगा? देखो, अगर आप price, input prices का change हो रहा है, ठीक है, price input change हो रहा है, तो उस case में आपका production cost बढ़ जाएगा, ठीक है. लेकिन आप ये नहीं कहोगे कि आपका आउटपुट एकदम से जो है वो डेफिनेटली चेंज होगा. डेफिनेटली यहाँ पर देखो ऑप्शंस कंफ्यूजिंग है, इसीलिए गूगल पर आंसर भी आपको डिफरेंट मिलेंगे, डिफरेंट बुक्स में भी आंसर डिफरेंट मिलेंगे. देखो, अगर टेक्नोलॉजी ही चेंज होगी किसी चीज़ के लिए तो सबसे ज़्यादा चेंज प्रोडक्शन फंक्शन में उस टाइम पर आएगा, क्योंकि अगर प्राइस चेंज हुआ है तो इट मे नॉट लीड टू दैट बिग इम्पैक्ट इफ यू आर अ बिग कंपनी, ठीक है. फर्म इंप्लॉयज मोर ऑफ एनी इनपुट, अगर आपने इनपुट ज़्यादा बढ़ा दिया तो उस हिसाब से आपका प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो इक्वेशन सेम रहेगा. फर्म इंक्रीजेज इट्स लेवल ऑफ आउटपुट, अगर आप आउटपुट ज़्यादा बढ़ा रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंगली आपको इनपुट बढ़ाना पड़ेगा, तो उसमें मेजर चेंज नहीं आया. लेकिन अगर आपकी टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल पहले आप चरखे से कपड़ा बनाते थे, लेकिन अब टेक्सटाइल मशीनरी आ गई, तो कंप्लीट चेंज जो है वो आपका प्रोडक्शन फंक्शन के अंदर आ जाएगा. उसमें आपके फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन भी बढ़ जाएंगे. पहले आप कैपिटल में क्या यूज कर रहे थे, चरखा यूज कर रहे थे, अब आपको मशीन लगानी पड़ेगी, ठीक है. ऑलराइट, पहले आप क्या कर रहे थे, कॉटन यूज कर रहे थे, आप सिंथेटिक क्लोथ को भी यूज करोगे. तो इसी वजह से इसका मोस्ट रेलिवेंट आंसर जो है वो ऑप्शन डी होगा. अगर टेक्नोलॉजी में चेंज आ रहा है तो प्रोडक्शन फंक्शन विल डेफिनेटली चेंज. ऑलराइट, ओके, सो दिस इज इट गाइस. यहां पर हमारे 5 क्वेश्चन जो है वो कवर हुए हैं एंड काफ़ी डिटेल में हमने करने की कोशिश की है. अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो, कोई चीज़ शेयर करना चाहते हो, कुछ सजेशन देना चाहते हो, तो कमेंट सेक्शन में आप बोल सकते हैं. उसके अलावा आपके पास व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी भी है, उसके ऊपर भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं. चैनल को शेयर ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें. चैनल को शेयर करना बहुत ज़रूरी है, इट विल कीप मी एनकरेज्ड. ओके, एनकरेज भी रखेगा, प्लस रीच बढ़ेगी, मज़ा आएगा और ज़्यादा पढ़ाने में. ऑलराइट, चलिए तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय.